नमस्ते यूट्यूब, वेलकम टू द चैनल। आज हम बहुत ही कॉमन कंडीशन कंजक्टिवाइटिस यानी पिंक आई के बारे में जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि इसके से जुड़ा बहुत ही बड़ा मिथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंजक्टिवाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ आई बहुत ही कॉमन कंडीशन है राइट नाउ इन दिस सिचुएशन। हर किसी को आई का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, रेडनेस हो रही है, उसके कारण से एक्सेसिव टीयर्स, एक्सेसिव इरिटेशन और बार बार हमारा हाथ उस पर आ जा रहा है और इसी कारण से ये दूसरों को भी फैल रहा है। तो सबसे बड़ा जो इससे जुड़ा हुआ मिथ है कि ये देखने से फैलता है, तो द आंसर इज स्ट्रेट नो। ये तभी फैलेगा जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में हैं, उनकी यूज की हुई सामान को इस्तेमाल करें या फिर उनके किसी सिक्रीशन से आप कांटेक्ट में आएंगे, तो ये देखने से तो नहीं फैलता। दूसरी बात, इसे प्रोटेक्ट करना बहुत ही ईजी है, इसे ट्रीट करना बहुत ही ईजी है। सो सबसे पहली एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको आई में इन्फ्लेमेशन है, आपकी आंखें लाल दिख रही हैं या बार बार आंसू आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और टेस्ट कराइए कि ये कंजक्टिवाइटिस भी है कि कुछ और की सिचुएशन है, कहीं कोई कचरा तो नहीं फंसा है आंखों में या किसी और कारण से तो नहीं हो रहा। तो सबसे पहले डायग्नोसिस। दूसरी बात, बेसिक चीजों का ध्यान रखना है, हाथ अच्छे से धोने हैं, अपनी आंखों को टच नहीं करना है बार बार, जब भी आंखों में कचरा आए, डर्ट आए, तो उसे कॉटन से साफ करिए या क्लीन क्लॉथ से साफ करिए, अपने हाथों से साफ मत करिए। और उसके बाद अपना हाथ अच्छे से जरूर धोएं, अपने यूज किए हुए सामान को नॉर्मल लोगों से दूर रखें जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, ताकि उनको भी इन्फ्लेमेशन ना फैले। डॉक्टर को दिखाने के बाद जब आपको डॉक्टर आई ड्रॉप दे या कोई मेडिसिन दे, तो उसे रिलीजियसली फॉलो करिए। 2 से 3 दिन में आई सिचुएशन आराम से ठीक हो जाती है। और ये वीडियो उन्हें जरूर दिखाना जो ये कहें कि कंजक्टिवाइटिस देखने से फैलता है।